अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एक पेड थीम को किस तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके अंदर क्या क्या फाइल्स मौजूद होती हैं। तो चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये काम हम करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, हमारे पास एक थीम मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये वाला। अगर मैं इस थीम को आपको दिखाऊँ तो बेसिकली ये थीम हमने डाउनलोड किया है। I don't know why ये इस टाइम क्यों शो नहीं हो रहा। टेक ओके, तो यहाँ पे देखें, ये एक Shopify का थीम है जो हमने डाउनलोड किया है। अगर मैं इसका फ्रंट फेस आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। इसको हम लोड कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखें, इस तरह से कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज शो हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ मेन मेन्यू है, लॉगिन और रजिस्टर के ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ ऐड का ऑप्शन है, इसको हम इस तरह से कट भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है पूरे स्टोर का, राइट। तो ये हमने डाउनलोड किया। अब इसको हम अपलोड करके देखते हैं। लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं, ऐड थीम पर क्लिक करेंगे। ये करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने इस थीम के ऊपर जाते हैं और इसको अनपैक करते हैं। सिंपल, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और अनपैक हो चुका है ये। इसके अंदर फिर मजीद काफ़ी सारी फाइल्स हैं। ये डेमो फाइल्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेशंस की फाइल्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमारा एक्चुअल थीम है जो कि हमारा अपलोडेबल फाइल है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको वो तमाम चीज़ें मिलेंगे जो इस थीम को अपलोड या इसकी सेटिंग करने के लिए, इसको कस्टमाइज करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप इसको इस तरह से ओपन करें तो इस तरह से इसकी कंप्लीट जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, प्रोडक्ट का प्रीव्यू किस तरह से सेट करना है, कस्टमर अकाउंट किस तरह से बनाएगा, ये सारी चीज़ें, थीम का कस्टमाइजेशन किस तरह से काम करेगा, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। और आप यहाँ से उस स्पेसिफिक थीम के रेलिवेंट लर्न कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस, ये डॉक्यूमेंटेशन हर थीम के साथ आपको मिलेगी कि उस थीम को अगर आपको नहीं समझ आ रही थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हैं। तो चले चलते हैं, हम ज़रा इंस्टॉल करते हैं अपने थीम को। सिंपल यहाँ पे मैं अपलोड फ्रॉम ज़िप यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पे आया और यहाँ पे हमारे पास थीम है और हमारे पास ये अपलोडेबल फाइल है। इसको सिंपल मैंने क्लिक किया और अपलोड पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये सिंपल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, हम एक ही टाइम में अपने एक Shopify स्टोर के अंदर डिफरेंट थीम्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक ही थीम जो है वो एक्टिव होगा हमारे स्टोर के ऊपर, जो कि नॉर्मल यूजर्स को नज़र आएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेट्स सपोज आपका एक मेन डिज़ाइन जो है वो ऑलरेडी आपके स्टोर के ऊपर है, अब आपको नया थीम इंस्टॉल करना है या अपने स्टोर की जो है लुक चेंज करनी है, उसको रीडिज़ाइन करना है, तो वो वैसे ही रहेगा। आप नया थीम इंस्टॉल करोगे उसको पब्लिश मत कीजिएगा, पहले उसको कंप्लीट कस्टमाइज कर लीजिएगा। जब वो कस्टमाइज हो जाए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो जाए, जस्ट सिंपल उसको फिर आपने पब्लिश करना है जो कि रिप्लेस कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये ऐड किया, ये थीम लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारा जो एक्टिव थीम है वो डॉन थीम है। अगर मैं इसको रिलोड भी करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देखें एक्टिव थीम अभी भी डाउन ही है। तो सिंपल, अगर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, बल्कि ये प्लैनेट थीम यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पे देखें सेम वही डाउन थीम जो है हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल अगर इसको पब्लिश कर देता हूँ, आप इसको पब्लिश किए बिना भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ तो आप देखें यहाँ पे जो करंट थीम है वो प्लैनेट है, और अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ अगेन तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो हमारा स्टोर का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से नज़र आ चुका है, राइट। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और हमने देख लिया कि किस तरह से एक पेड थीम जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी कस्टमाइजेशंस के अबाउट बात करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।